दोस्तों इंडिया का मोस्ट पॉपुलर फिटनेस बैंड है सौमी का मी बैंड, और उसके अलावा हमें रियलमी की तरफ से भी फिटनेस बैंड देखने को मिलते हैं, और ऑनर का भी फिटनेस बैंड इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बट अगर हम बात करें वन प्लस की, तो जितने भी वन प्लस लवर है वे चाहते हैं कि उन्हें वन प्लस का फिटनेस बैंड देखने को मिले। बट यहाँ पर हमें वन प्लस की तरफ से कोई भी फिटनेस बैंड लास्ट ईयर तक देखने को नहीं मिलता था। बट फाइनली वन प्लस जो है वो अपना एक नया फिटनेस बैंड इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, जो कि दोस्तों वन प्लस ने टीज करना स्टार्ट कर दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसी फिटनेस बैंड के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको क्या कुछ स्पेक्स और फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं इसी फिटनेस बैंड के अंदर, और कितने प्राइसिंग पे आपको ये इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप भी वन प्लस के लवर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस फिटनेस बैंड के बिल्ड और डिज़ाइनिंग को लेकर। तो दोस्तों इस फिटनेस बैंड का काफ़ी सारा रेंडर निकल कर बाहर आ चुका है, जिससे कि दोस्तों यह कन्फर्म पता चलता है कि आपको इस फिटनेस बैंड के अंदर काफ़ी अच्छी बिल्ड और क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। बट अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी इंस्पायर्ड रहेगा और भी सारे मार्केट में जो फिटनेस बैंड है उसके जैसा ही। तो यहाँ पर जो इसका बिल्ड क्वालिटी होगा वो काफ़ी अमेजिंग होगा, क्योंकि वन प्लस जो है वो क्वालिटी के लिए जानी जाती है। अब उसके साथ ही दोस्तों आप बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको इसके डिस्प्ले में 1.1 इंचेस का एक टच स्क्रीन का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अमेजिंग होगा। तो यहाँ पर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो आपको इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप इसे धूप में भी यूज़ करते हैं तो आपको ब्राइटनेस को लेकर कोई भी इशू नहीं रहने वाली है। साथ ही में दोस्तों इस डिवाइस के अंदर आपको 14 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही आपको 13 तरह की एक्सरसाइज का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें हार्ट मॉनिटरिंग की, तो आपको 24/7 का हार्ट मॉनिटरिंग इस फिटनेस बैंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही कम फिटनेस बैंड में हमें देखने को मिलता है, तो वो है SpO2 ब्लड सेचुरेशन मॉनिटरिंग का ऑप्शन आपको इस फिटनेस बैंड के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कम फिटनेस बैंड में हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ ही आपको इस फिटनेस बैंड के अंदर IP68 की रेटिंग भी देखने को मिलने वाली है, जिससे कि आप इस फिटनेस बैंड को अंडर वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो आपको नहाते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको बार बार अपने फिटनेस बैंड को हाथ से निकालना है और फिर से पहनना है। तो दोस्तों इस फिटनेस बैंड के अंदर आपको बहुत सारे ढेरों फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बट अगर बात करें इस फिटनेस बैंड की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल कर सामने आई है। दोस्तों इस फिटनेस बैंड का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो बताया जा रहा है कि आपको $34 के करीबन देखने को मिलेगा। अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपीज़ में ये फिटनेस बैंड इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर बात करें लॉन्च डेट की, तो अप्रॉक्स 11 जनवरी तक इस फिटनेस बैंड को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है इस फिटनेस बैंड को लेकर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फाइनली आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम मिलेंगे आपसे एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।